सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में कंपेयर करने वाले दो बहुत ही ज्यादा कमाल के एकदम लेटेस्ट फोन्स को। यहाँ पे एक तरफ है हमारा आईक्यू का Z3 5G और दूसरी तरफ है OnePlus का Nord CE 5G। दोनों एकदम कमाल के फ्लैगशिप किलर फोन है, जहाँ पे कंप्लीटली कंपेयर करेंगे और सबसे बेस्ट फोन आपके लिए कौन सा होगा वो भी हम जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। जहाँ पे दोस्तों अभी मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा कमाल के फोन्स आए, जहाँ पे एक है आईक्यू की तरफ से आईक्यू Z3 5G और दूसरा तरफ है OnePlus की तरफ से Nord CE 5G। Nord का सक्सेसर है, जो पहले OnePlus का Nord था उसका ये सक्सेसर है। जहाँ पे जो आईक्यू का जो टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है, उसी प्राइस सेगमेंट से यहाँ पे हमें OnePlus का Nord CE 5G देखने को मिलता था। दोनों ऑलमोस्ट एक ही प्राइस सेगमेंट में लाइक करता और दोनों बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा सही वैल्यू फॉर मनी लेके आते और बहुत ज्यादा एक्सेलेंट पैकेज लेके आते अपने बजट सेगमेंट में। दोनों एकदम कंप्लीटली कंपेयर करेंगे तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, जहां पे पहले हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको दोनों में डिजाइन बहुत ज्यादा कमाल और एक्सेलेंट देखने को मिलने वाला। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा इन हैंड फील देखने को मिलेगा, दोनों ही फोन में एकदम प्रीमियम बिल्ड देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से आपको OnePlus में शायद थोड़ा बेटर फील मिले, क्योंकि OnePlus का फोन आईक्यू से कंपेयर करते हुए थोड़ा ज्यादा लाइट वेट है, उसके साथ में थोड़ा ज्यादा स्लिम भी है। तो शायद आपको इन हैंड फील OnePlus में ज्यादा बेटर देखने को मिले। जहां पे दोस्तों अब अगर हम लोग डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो आपको आईक्यू में 6.58 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पे AMOLED का कमी है, बट उसको यहां पे OnePlus पूरा कर देता है, क्योंकि आपको OnePlus में 6.43 इंच का फ्लूइड AMOLED 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जहां पे वही सेम डिस्प्ले जो OnePlus का Nord का पहला वाला वेरिएंट था, उसमें भी हमें यही सेम डिस्प्ले देखने को मिला था, जो हमें अगेन Nord का सक्सेसर में भी देखने को मिल रहा है। और मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि एक 120 हर्ट्ज का नॉर्मल डिस्प्ले से बेटर 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले लेना, क्योंकि ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको दे देगा। जहां इसके बाद अगर हम लोग कैमरा की तरफ बढ़े, तो आपको दोनों में 64 का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पे दोनों में 64 का मेन कैमरा, दोनों में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। पर जो तीसरा कैमरा है, दोनों 2 मेगापिक्सल का है, बट आपको आईक्यू में वो एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, बट आपको OnePlus में वो एक डेप्थ सेंसिंग का कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे OnePlus में कोई भी मैक्रो कैमरा अवेलेबल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी सेल्फी कैमरा आपको दोनों में 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको OnePlus में पंच होल डिजाइन में देखने को मिलेगा और आईक्यू में वही पुराना वाला वाटर ड्रॉप डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। जहां पे आप आईक्यू में 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट OnePlus में आप 4K 30fps तक ही सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो। जहां फीचर्स के मामले में यहाँ पे OnePlus थोड़ा सा पीछे है आईक्यू से कैमरा के मामले में, बट उसके बाद भी जो OnePlus का इमेज प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा कमाल है और आपको काफी अच्छा इमेज क्वालिटी देखने को मिल सकता है OnePlus की तरफ से आईक्यू से कंपैरिजन करते हुए। क्योंकि यार OnePlus बहुत सही है कैमरा के मामले में, आप जितना भी प्रीमियम फोन्स भी देख लो या OnePlus Nord भी रहा था, उसका कैमरा का प्रोसेसिंग बहुत सही था और बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे देता था। तो मेरे हिसाब से शायद आपको आईक्यू से ज्यादा बेटर कैमरा के पिक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं OnePlus के फोन से। अब ये मुझे लगता है, आप लोग एक बार अलग से कंपैरिजन वगैरह देख सकते हो, बट आई थिंक OnePlus में आपको ज्यादा बेटर कैमरा मिल सकता है। जहां पे अब अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो आपको आईक्यू Z3 में देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर, एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर पे बना है और ये प्रोसेसर फर्स्ट टाइम इसी फोन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जहां पे दूसरे तरफ अगर हम OnePlus के बारे में बात करें, तो वहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिल रहा है, जो पहले भी कुछ फोन में हमें देखने को मिल चुका है, जो 8 नैनोमीटर पे बेस्ड है। हम लोग परफॉर्मेंस को कंपेयर तो जो 768G स्लाइटली बेटर है 750 से कंपेयर करते हुए, बट वो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो आपको बस यहां नंबर्स में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ऑन डिवाइस में परफॉर्मेंस टेस्ट देखने जाएंगे, तो आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में। तो एज सच मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में किसी को भी हम लोग विनर नहीं बता सकते, बट तो भी आईक्यू Z3 में थोड़ा सा स्लाइटली परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिल सकता है। यहां पर रैम स्टोरेज के बारे में बात करें, तो आपको दोनों में LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। जहां पर आईक्यू में एक बेनिफिट है कि आपको वहां पे रैम एक्सटेंशन मिल रहा है, एक वर्चुअल रैम मिल जाएगा 3GB तक का, जो आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर दे सकता है, बट मेरे हिसाब से रैम जितना आपको मिल रहा है उतना ऑलरेडी सफिशियंट है, तो ये रैम एक्सटेंशन काम आएगा नहीं, बट तो भी एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे मिल रहा है जो आपको OnePlus में देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अगर हम बैटरी के बारे में बात करें, तो आपको आईक्यू में 4400mAh का बैटरी मिलता है और OnePlus में आपको 4500mAh का, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बट बैटरी चार्जिंग के बारे में बात करें, तो आपको आईक्यू में 55W का चार्जिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे 50 मिनट्स में आपका फोन 0 to 100 चार्ज कर सकता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ में हमें OnePlus में उसका 30W का चार्जर देखने को मिलता है, जो अगेन आपका फोन को बहुत तेजी से चार्ज कर देगा,
बट यहाँ पे आईक्यू आपको ज़्यादा बेटर और फास्ट चार्जिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पे आईक्यू में आपको एक यहाँ पे और बेनिफिट मिलता है कि आईक्यू लेकर आता है 5 लेयर लिक्विड कूलिंग। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी लिक्विड कूलिंग वन प्लस के फोन में देखने को नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे फिंगरप्रिंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली दोनों में फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। जहाँ पे आपको आईक्यू में पावर बटन में देखने को मिल जाएगा और वन प्लस में इन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, तो वो आपको यहाँ पे वन प्लस में देखने को मिल जा रहा है। बाकी जितने भी टाइप के और सेंसर्स होते हैं, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, वाईफाई वगैरह हो गया, वो सारे एकदम अच्छे लेटेस्ट आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जा रहा है। किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा। इनफैक्ट 3.5 mm जैक भी जो वन प्लस नॉर्ड में पहले नहीं था, उसका CE वेरियंट में यहाँ पे दे दिया गया है, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो आपको दोनों में एज सच कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिल रहा है। आपको आईक्यू Z3 में एक हाइब्रिड स्लॉट मिल रहा है और वन प्लस नॉर्ड में आपको कोई भी SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता ही नहीं, आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आपको दोनों में से एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा और आईक्यू में आपको यहाँ पे फंटच OS मिलेगा और वन प्लस में आपको ऑक्सीजन OS मिलेगा। जहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस ऑक्सीजन OS इस वन प्लस के फोन में देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीजन OS वन ऑफ द बेस्ट UI और आपको काफ़ी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा अगर हम आईक्यू के फंटच OS से कंपेयर करें। बाकी अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आईक्यू का प्राइसिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम है और उसके हिसाब से सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। आपको वन प्लस से भी ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी आईक्यू के फ़ोन में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कम है। स्टार्टिंग जस्ट 19,990 rupees है, जहाँ पे उसके ऊपर भी आपका 1,000 rupees का अमेजन का कूपन अप्लाई हो सकता है। और अगर आपका ICICI बैंक का कार्ड अवेलेबल है तो 1,500 rupees एक्स्ट्रा ऑफ होगा, 17,500 rupees में आपको 6GB 128 का वेरियंट मिल सकता है। अगर चलो कार्ड अवेलेबल नहीं भी है तो भी आपको 19,000 में मिल सकता है, जहाँ पे ये सेम वेरियंट का प्राइस वन प्लस में आपको 23,000 तक देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4,000 rupees आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। बट जो उसका आईक्यू का टॉप वेरिएंट है, इसका प्राइस 23,000 है, यहाँ पे आपको 8GB और 256GB वाला वेरिएंट मिलता है। उस सेगमेंट में आपको यहाँ पे वन प्लस का स्टार्टिंग वेरिएंट देखने को मिलेगा 6GB 128 वाला। तो क्या आपके लिए वन प्लस में ज़्यादा पैसा देना सही होगा, तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखो आईक्यू बहुत ज़्यादा सही ब्रांड है और आपको काफ़ी अच्छा पैकेज दे रहा है, और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आपको वन प्लस से भी ज़्यादा बेटर पैकेज आईक्यू में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको प्राइसिंग कम है, 20,000 के अंदर का फोन लेना है, तो आपको ज़रूर से आईक्यू में चले जाना चाहिए, बहुत कमाल पैकेज मिल रहा है। बट अगर आप थोड़ा प्राइस बढ़ा सकते हो और आप वन प्लस में जा सकते हो, तो वन प्लस ऐसा ब्रांड जो आपको वहाँ पे पूरा पैकेज मिल रहा है, जितना ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड हम वन प्लस को जानते हैं, जैसा वो फोन्स बनाता है उसके हिसाब से जो वन प्लस पैकेज दे रहा है, जो आपको कैमरा डिस्प्ले जो ऑलराउंडर पैकेज दे रहा है, वो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। पर तो भी बता दो, एकदम आपको हार्डकोर गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए, जहाँ पर आपको गेमिंग के अलावा कोई भी चीज़ें आपको नहीं देखना फोन में, आपको एकदम परफॉर्मेंस टॉप क्लास चाहिए, गेमिंग टॉप क्लास चाहिए, देन आपको तो आईक्यू में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड कूलिंग अवेलेबल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट अवेलेबल है, और उसके साथ में आपको थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। बट अगर आप थोड़े से गेमिंग कम करना चाहते हो और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छा चाहते हो, आपको एकदम काफ़ी अच्छा प्रीमियम ब्रांड का फोन चाहिए, उसके साथ में आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले भी चाहिए, AMOLED डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ में आपको बाकी सारे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, एक अच्छा ब्रांड की तरफ से चाहिए, और आपको सारा चीज़ का जो पूरा पैकेज एक ऑलराउंडर चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए वन प्लस बेटर होगा। जहाँ पे आपको कैमरा बेटर मिल सकता है, डिस्प्ले ऑब्वियसली बेटर है, और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, एक ऑलराउंडर पैकेज है, आपको वन प्लस के लिए जाना चाहिए। बट प्राइस के हिसाब से आईक्यू बहुत सही है, बट अगर थोड़ा प्राइस बढ़ा सकते हो तो आपके लिए वन प्लस और थोड़ा बेटर हो सकता है। तो दोनों ही काफ़ी कमाल के फ़ोन है, एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बट अगर मुझे कोई सा एक ऑप्शन चूज़ करना होगा तो आई थिंक मैं वन प्लस को चूज़ करूँगा। एज अ ब्रांड बहुत सही पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सही वैल्यू फॉर मनी इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से चॉइस क्या है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके जो भी थॉट्स है आज के वीडियो के बारे में ज़रूर से शेयर करना, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल की वीडियोज़ आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।